सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको आ से आह तक स्वर लिखना व पढ़ना सिखाऊंगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बच्चा, बच्चों आप सभी जब लिखते हो तो लाइन से, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से इस लाइन तक टच करके आपको लिखना है। कई बच्चे आ से अनार जब लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं लिखना, आपको लाइन से लाइन तक टच करके लिखना है, तभी आपके लेख सुंदर आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहले आधा गोला लाइन से टच करके, ओके, फिर उसी को मिलाकर फिर से आधा गोला इस प्रकार, और फिर सीधी रेखा छोटी सी, और फिर खड़ी रेखा लाइन से लाइन तक टच करके, क्या बन गया ये? आ से अनार, ओके। अब है आ से आम, इसी प्रकार आधा गोला, फिर इसी को मिलाकर फिर से आधा गोला, फिर छोटी सी सीधी रेखा, फिर खड़ी रेखा, और उसी प्रकार थोड़ी सी दूर पर एक और खड़ी रेखा, अब इसके ऊपर सीधी रेखा जिसे लेटी हुई रेखा कहते हैं। क्या बन गया ये? आ से आम। ओके, आपको पसंद है ना सबको आ से आम? आ से अनार भी पसंद है आपको और आ से आम भी खाते हो ना आप सभी? वेरी गुड। अब है ई से इमली। सबसे पहले छोटी सी सीधी रेखा, बिल्कुल छोटी सी, फिर आधा गोला, उसी को घुमाते हुए आधा गोला करके ऊपर से इस प्रकार मोड़ देंगे और लाइन से थोड़ा सा टच करेंगे। क्या बन गया ये? ई से इमली। इसी प्रकार बड़ी ई से एक लिखेंगे हम, छोटी सीधी रेखा, फिर आधा गोला और उसको इस प्रकार ऐसे मोड़ेंगे, और इसके ऊपर फिर एक इस तरह से एक रेखा बना देंगे जिससे थोड़ा सा आधा गोला की तरह लगेगा ये आपको। क्या बन गया ये? बड़ी ई से एक। अभी क्या है ये? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक, इस प्रकार आपको लाइन से टच करके लिखना है, तो आपका जो लेख है वो बहुत सुंदर आएगा। लाइन में जब आप लिखते हो तो कोई छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, इस तरह से आपको नहीं लिखना। आपको जिस तरह से मैंने बताया, आपको लाइन से ना तो बाहर है और ना ही लाइन से मैं बीच में भी नहीं लिखा, तो इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है? वैसे मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम करते हो और आपको अच्छा अच्छा चॉकलेट दूंगी मैं, अच्छी अच्छी, ठीक है? इस प्रकार लिखना। अब है बड़ी से एक के बाद क्या आएगा? छोटे ऊ से उल्लू, फिर आधा गोला, उसी को मिलाकर फिर आधा गोला, क्या बन गया ये? और इसके ऊपर सीधी रेखा, क्या बन गया ये? ऊ से उल्लू। अब है बड़े ऊ से ऊन, उसे उल्लू बनाकर आधा गोला, फिर इसी को मिलाकर फिर आधा गोला, अब इसके बीच में एक छोटी सी ऐसे लाइन खींचनी है आपको, रेखा बनानी है, तो क्या बन गया ये? बड़े ऊ से ऊन। ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है ना आपका, और कैप भी बनती है। ओके, अब बड़े ऊ से ऊन के बाद क्या आएगा? ही से ऋषि। पहले सीधी रेखा, ऐसे खड़ी रेखा जो होती है ना इस, और फिर थोड़ी सी तिरछी रेखा, और उसी को मिलाकर फिर तिरछी रेखा, और फिर एक छोटी सी ऐसे लाइन खींच के इसको ऊपर ऐसे, और फिर इसको इस तरह से मोड़ना, तो क्या बन गया? री से ऋषि। अब हम आपको ए से एडी लिखना सिखाएंगे।
आधा हल थोड़ा सा मोड़ कर, आधा गोला, और इसको ऊपर से मोड़ना नहीं है, इसको वहीं की वहीं तिरछा लेके जाना है आपको इस तरह से, और फिर सीधी रेखा, और फिर इसको इसके अंदर मिलाना। तो क्या बन गया ये, ए से एड़ी। अब इस उसी प्रकार हम ऐसे ऐसे नक लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मोड़ेंगे आधा सर्कल करके, फिर इसको वहीं की वहीं नीचे ले जाओ लाइन से टच करके, और फिर इसको सीधी रेखा करके, और इसको इस तरह से मिला देंगे, और इसके ऊपर तिरछी रेखा लेकर और इसको ऐसे गोल कर देंगे। तो क्या बन गया है ये, ऐसे ऐसे एनक। अब ऐसे एनक के बाद क्या आएगा, ओ से ओखली। आधा गोला, फिर उसी को मिलाकर फिर आधा गोला, फिर छोटी सी सीधी रेखा जिसे लेटी हुई रेखा कहते हैं, फिर खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, और इसके ऊपर ऐसे लेटा के लेटी हुई रेखा बना देंगे। और जो ये बच्चों ये जो सीधी रेखा खींची ना आ से अनार के बाद ऐसे खड़ी रेखा, तो इसी के ऊपर आपको इस प्रकार मात्रा लगानी है। कई बार आप लोग इस तरह से मात्रा लगाते हो ऐसे लाइक दिस, ये वाली लाइन पे आप आ से अनार जब बनाते हैं तो उसके ऊपर मात्रा लगा देते हो, तो ये रॉन्ग है बेटा, आपको इस लाइन के ऊपर मात्रा लगानी है। ओके, ये जो हमने लाइन खींची है एक और ऐसे, इसके ऊपर आपको लाइन मात्रा लगानी है। क्या बन गया ये, ओ से ओखली। अब उसी प्रकार हम ओ से औरत लिखेंगे, आधा गोला, फिर इसी को मिलाकर फिर आधा गोला, फिर छोटी लेटी रेखा, फिर सीधी रेखा, फिर एक और सीधी रेखा, ऐसे खड़ी रेखा खींचेंगे, और जो ये जो हमने अभी लाइन खींची है इसी के ऊपर हम एक मात्रा और फिर एक और मात्रा, ये क्या बन गया, आओ से औरत। इस बात का बच्चों ध्यान रखना, इस वाली रेखा जो है खड़ी रेखा इसी के ऊपर आपको दोनों मात्रा लगानी है। कई बच्चे इस प्रकार लिख देते हैं, एक मात्रा इस पे लगाते हैं और एक मात्रा इस पे लगाते हैं, तो ये गलत है बेटा, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सीधी रेखा है इसी के ऊपर आपको दोनों मात्रा लगानी है। अच्छा, अब हम लिखेंगे अंग से अंगूर, आधा गोला और उसी को मिलाकर फिर आधा गोला, अभी क्या बन गया उसे उल्लू, फिर इसके छोटी सी सीधी रेखा, फिर खड़ी रेखा, और फिर लेटी रेखा, क्या बन गया ऐसे अनार, और इसके ऊपर बिंदी लगा देंगे हम, तो क्या बन गया ये अंग से अंगूर। खाते हो ना आप सब खट्टे मीठे अंगूर, टेस्टी टेस्टी। अब हम लिखेंगे अ से आहा तक, जिस प्रकार हमने अ से अंगूर लिखा था उसी प्रकार हम आ से आहा तक लिखेंगे, आहा लिखेंगे। अब आ से अनार बना दिया और उसके पास में ही थोड़ी सी दूर पे इस प्रकार दो बिंदी लगा देंगे, तो ये क्या बन गया आ से आहा। तो हम एक बार इसको पुनः दोहराएंगे, आ से अनार, आप सभी भी बोलना, आप लिखोगे और साथ साथ बोलोगे तब आपको इस आ से आहा तक के स्वर का ज्ञान अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो फिर से बोलते हैं, आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, छोटे ए से एड़ी, बड़े ऐ से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा हा। अच्छा बच्चों, आप इसको देखकर ओनली वन पेज करना है आपको, ठीक है, ये लिखना है, और ये जो क्या बना हुआ है, ये रसीला रसीला मीठा मीठा आम, इसमें आपको रंग भरना है, ठीक है, और आपको साथ में
लिखना भी है और पढ़ना भी है, ताकि आपको इन इन स्वरों का अच्छी तरह ज्ञान हो सके। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। ओके, बाय।